अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी सम्मान में रखे। तो आज है 28 अगस्त और अभी मैं सो के उठाऊँ तो अभी नहाऊँगा और उसके बाद आज ख़ास दिन ये है कि शाम 7 या 6 या 7 बजे पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला दुबई में एशिया कप, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और पाकिस्तानी और इंडियन बेसब्री से इंतज़ार ना करें, ये हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं फ़्रेश होऊंगा और उसके बाद हो सकता है मैं गाँव की तरफ जाऊं। मतलब मैं शाम को एक रेस्टोरेंट हमारे देसी डेरा, वो बड़ी प्रोजेक्टर पर बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, उधर हम मैच देखेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और देखते हैं आज का विनर कौन होता है। ये पाकिस्तान का पहला मैच है, मतलब कि एशिया कप का दुबई में हो रहा है। तो मिलते हैं नहाने के बाद, मतलब के फ्रेश होने के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, तो 2-4 दोस्तों से मिलूँगा, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता शाम हो जाएगी, जैसे रूटीन होती गई वीडियो बनाता जाऊँगा और फिर हम जाएंगे देसी डेरा फोड़ावास में मैच देखने। वो प्रोजेक्टर पर मैच दिखाएंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा। इधर इधर नहीं नहीं कबूतर बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं कृष्णा, मैं आज फिर आया हूँ डेयरी फार्म पर। इधर रिजवान भाई जो दूध लेते हैं, तो मैं इधर उसके साथ आ गया, शाम का टाइम है तो दूध लेते हैं हम। और जो हम कबूतर आपने देख रहे थे, वो भाई को कबूतर दिया रिजवान भाई ने, गिफ्ट किया। और रिजवान भाई इधर दूध लेते हैं शाम को, 10 लीटर अपनी शॉप पर सेल करते हैं। अभी हम इधर आए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ दोबारा फिर, क्योंकि मैंने पहले भी एक ब्लॉग में पूरा ये ब्लॉग बनाया था फार्म के ऊपर। तो मैं अभी आपको एक फार्म का व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, ऑस्ट्रेलियन वलैतन जिसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छी फार्म की हुई है ये। पहले भी मैं ऑलरेडी भी मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, और अभी शाम का टाइम है तो वो दूध निकाल रहे हैं, वो देखें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आस्ता आस्ता जाने का मतलब है चीज़ रिजनल है। अभी शोर आएगा शायद, समझ ना आए, मैं वैसे दिखा देता हूँ। ये इधर से मशीन लगी है, उसमें दूध जा रहा है, और फिर इधर लगी है, इसमें जा रहा है, और वो आगे वो चारा खा रही है, स्पेशल किस्म का चारा होता है, वो चारा खा रहे हैं, और ऊपर फैन भी चल रहा है। और उसके बाद इधर दूध जाके स्टोर हो जाता है उसमें। ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है इनको, ये भी कोई टैंकी वगैरह इसकी, उधर चारा काटने वाली मशीन लगी हुई है। और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की गायें हैं इधर। अगर कोई भी आपने फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो इनको वो स्किन की प्रॉब्लम है, वो इनको नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने वैक्सीन बहुत अच्छी की थी, इसलिए इन जानवरों को वो आप देख भी सकते हैं, इन जानवरों को वो स्किन जो बीमारी है पूरे पाकिस्तान में आई है, वो इधर नहीं आई, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वैक्सीन कर ली थी।
इस टाइम मैं बैठा हूँ अपने दोस्त की शॉप पर लारीडा में, जिधर अक्सर मेरा शाम को टाइम स्पेंड होता है। अब दूसरे दोस्त भी आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं देसी डेरा में। टाइम 6:20-25 हो गए हैं। तो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, हमारी दुआएं इंडिया के साथ, सॉरी हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है, पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। शहर में बहुत सारी फ्लैट्स कह दिए प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, हर होटल ने प्रोजेक्ट लगाए हैं, और हम जाएंगे देसी डेरा में, उधर जाके हम मैच इंजॉय करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आएंगे। हम अपने रेस्टोरेंट पर आ गए हैं जिधर हमने मैच देखना है। तो मैं रेस्टोरेंट का आपको व्यू दिखाता हूँ, शाम का टाइम तो बहुत अच्छा व्यू बना हुआ है इधर। तो आप भी मैच को इंजॉय करें और देखें क्या सूरत हाल है। मैसूर है, फौज के एक और दस्ते ने बड़ी कोट को कबूल कर लिया। पाक फौज के एविएशन के हेलीकॉप्टर इन मकाम की जान। Two IPLs, World Cup, now the Asia Cup here. It's gone up. Hardik Pandya on the boundary, we'll see the ball go over the wicket. That's six. It's the first time UP Chel try to hold that line with Chincha Maliga outside the offstop. Want some early wickets. Along with A. Rahul, India's captain Rohit Sharma is opening partner. A wild 148. Might look a little under par as a runs in the end, 23 for one after four. Right, so they've got at this point in time 5 inside the circle. Out of 4 because of the slow over rate, that's the fine nowadays. So it's got 1 mid off is up in the circle, extra smashes it through the gap and at the same venue. People got their money worth for sure.